गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। अब मैं पुणे के स्टेशन पे हूँ। इधर से अभी हम रात का ट्रैवल करने का, एक्चुअली नाइट को ही निकल, हमारी ट्रेन है ठीक 12 बजे, इसलिए अभी पुणे में वेट कर रहा हूँ। अब देख भी सकते हो अभी टाइम आ चुका है, 4:30 बज चुके हैं इस वक्त। हाँ करेक्ट 4:30 बज चुके हैं और मैं प्लेटफॉर्म 2 पर जा रहा हूँ थोड़ा नज़र देने, कभी आया नहीं हूँ ना, इसलिए प्लेटफॉर्म 2 पर जा रहा हूँ ऐसे ही देखने के लिए। आपको दिखा भी सकता हूँ, कुत्ता बेचारा डर रहा है। देख सकते हो आप, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जिस पर मैं अभी खड़ा हूँ, यही है प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये साइड में देखोगे तो वो साइड पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ धूप है इसलिए बहुत टक्कर मार रही है और पूरी नाइट ट्रैवल करने का है, बराबर 8 घंटे लग जाएंगे हमें। ये लड़की ना ये वो नहीं है, और अभी बस नज़र देने आया था। S6 हमारी, S4 मिनिमम हमारी ट्रेन का डब्बा जो है ना वो उधर पे रुकने वाला, वो साइड में उधर वहाँ पे जो लड़का चल रहा है ना, हाँ फोन कर रहा है बात, वहीं पे रुकने वाला हमारी ट्रेन का डब्बा नाइट के वक्त रात के 12 बजे। और अब हम अभी वापस जा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने गाड़ी का, पर हमें 8 घंटे इंतज़ार करने का है, वाट लग जाएगी। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, अब हम वापस जा रहे हैं डैडी को बोलने के लिए। हाँ मैंने देख लिया है सब कुछ, देखेंगे ट्रेन का डब्बा एक्चुअली कहाँ रुकता है, वो तो मैंने अंदाजे से कह दिया, बट देखेंगे अभी एक्चुअली मेन कहाँ पे रुकने वाला। और जो दूसरी ट्रेन है ऐसे यार, वो ट्रेन यहाँ से निकली है वहाँ से, वाह 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 क्या बात है, जम्मू तभी निकल रही, देखो जा रही है, टाटा। ये दिख लीजिए कुत्ता बहुत डर रहा है एक्चुअली, नाइस डॉगी से मुझे बहुत प्यार है। ये देख लीजिए जिस ट्रेन में आए थे वो ट्रेन जा रही है हमारी, मालूम नहीं और किस्मत में कब लिखाएगा खुदा कश्मीर जाने का। अरे अब हम थोड़ा मार्केट की तरफ आ चुके हैं, देख भी सकते हो ये साइड पूरी मार्केट लग चुकी है, हर कोई सामान मिलता है इधर, थोड़ा बहुत घूमने आ चुके हैं, वही आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है इधर, सब कुछ दिखाऊंगा। मुझे आज खुद को भी नहीं मालूम मैं कहाँ से चल रहा हूँ, बट देखेंगे हम कहाँ पहुँचेंगे। देख लीजिए यहाँ पर बर्गर मिलता है और ये भी मिलता है, रोटी पोटी एंड पानी पूरी भी मिलता है, यहाँ हर कोई आइटम मिल जाती है। ये स्टेशन के बाहर कितनी सारी भीड़ है, कितने लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ ATM पड़ते हैं जो कि पैसे मजबूरी वक्त पैसे वैसे निकालने में, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ वेटिंग रूम भी है और पैसे निकालने का ये भी है मशीन, वेटिंग रूम भी है और टिकट निकालने की मशीन भी है, देख लीजिए। अब चलिए हम वापस जा रहे हैं अंदर, और मम्मी फ़ोन कर रही थी इसलिए अब जाना पड़ेगा जल्दी वापस। बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। सॉरी भाई लोगों, एक्चुअली प्लेटफॉर्म नंबर 2 नहीं,
देख सकते हो कितना कितना निकल रहा है, मुझे हालत लाल आ गया, हालत ख़राब हो गई, लगेज हमारा ज़्यादा था इसीलिए अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ओनली 5 मिनट्स वेट तो ट्रेन आ जाएगी, देखते रहिए। गाइस हम अभी ट्रेन में चढ़ चुका हूँ, देख लीजिए आपको मैं अंदर से मम्मी पापा को दिखा सकता हूँ। बाय बाय पूना, अलविदा यार, अब मालूम नहीं तू कौन से किस्मत में मिलेगा। देख लीजिए अब हम पूना से रवाना हो रहे हैं बेलगाम को। आज पूरे नाइट ट्रैवल करेंगे हम, सुबह के 8 बजे मिनिमम पहुंचेंगे बेलगाम पर। चलिए देख सकते हो अभी नाइट है, पापा यहाँ पे बैठ चुके हैं, मम्मी यहाँ पर है। देख सकते हो नाइट अभी ट्रेन की बात हो रही है, देख सकते हो अभी देख लीजिए यहाँ पर यहाँ की लाइट चल रही, पर यहाँ की लाइट बंद कर चुके हैं सब लोग, अभी सोने का वक्त आ चुका है। चलो मैं भी अभी सोता हूँ, अल्लाह हाफिज़। सोच रहा अभी सुबह मेरा मॉग एंड हो जाएगा, सपोर्ट जरूर करना गाइस। गाइस अभी हम मिरज में हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, देख सकते हो आप, देख लीजिए बैक साइड मिरज लिखा हुआ आ रहा है। सुबह के 5 बज रहे हैं, एक्चुअली पूरी नाइट ज़्यादा तो उठा नहीं पाए हमने वीडियो, क्योंकि क्लियर नज़र नहीं आ रहा था इसीलिए सॉरी, बट मुझसे जितना हुआ मैंने वीडियो उठाया है। बस वीडियो देखिए, लाइक किए, सब्सक्राइब करिए। सुबह के 8 बजे हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है घर पे, तो मतलब कि हमारी सिटी, तो देख लेना हमारी सिटी कैसी है। तो गाइस फाइनली हम बेलगाम, थक गया, बेलगाम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। एक्चुअली पूरा लगेज मैंने चढ़ा लिया है यहीं पटरी पार करके, और वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।